नमस्ते जी, आई एम यकशिका एंड वेलकम टू अनदर पेज ऑफ माय डायरी। आज है तीसरा दिन मेरी मिनी बर्थडे सीरीज का, बट मैं अभी तक रेडी शेडी नहीं हो पाई हूँ बिकॉज कल रात बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया था। हमारी पूरी सोसाइटी का पावर कट हुआ था, लाइट गई और काफी देर तक लाइट नहीं आई, तो थोड़ा सा डाउट हुआ बिकॉज ऐसा होता ही नहीं है। थोड़ी देर की लाइट जाती है, उसके बाद लाइट आई जाती है। फिर मैंने आसपास वालों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, एक दो नॉन लोगों से पूछा कि आपके यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है क्या, एंड दे सेड यस। मतलब पूरी सोसाइटी का पावर कट हुआ था और लाइट सुबह 6 बजे आई है, तब तक ना ढंग से सो पाए ना कुछ हो पाया, और थोड़ी देर बाद इन्वर्टर भी बोल गया था तो पंखे भी नहीं चल रहे थे, तो बाहर बालकनी में चद्दर डाल के लेटी हुई थी मैं, हवा भी नहीं चल रही थी। लिटरली इतना पथेटिक सीन था ना कि बिल्कुल नींद नहीं आई है। बट जैसे ही सुबह लाइट आई, सबसे पहले नींद पूरी कंप्लीट करी है, फिर उठ के अपना बेसिक रूटीन फॉलो वगैरह किया, फिर मम्मी आ गई सुबह सुबह, मेरा भाई बेचारा रात को बिना सोए सुबह सुबह ऑफिस भी निकल गया अपना गुड़गांव, तो मुझे तो उसकी टेंशन ज़्यादा हो रही है कि उसकी तो नींद भी पूरी नहीं हुई, हमें तो फिर भी नींद पूरी कर ली यहाँ पर, उसने तो पता नहीं क्या ही किया होगा, कैसे ऑफिस में काम कर रहा होगा वो। बट नेवर माइंड, अभी मैं पूरी रेडी हूँ, आज का लुक लेते हैं, अपना फैशन चैनल का वीडियो बनाते हैं, एंड देन आपको मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या करने वाली। हाय गाइज, आई एम ऑल रेडी, आई एम इन लव विद दिस लुक। मुझे अपने ऊपर ये लुक इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने अच्छे से ड्रेसअप होके अपनी फैशन चैनल के लिए वीडियो बना ली है। अभी बहुत लेट हो गया है, तो आज का जो मेरा प्लान था फोटोशूट का, वो डिले ही होता जा रहा है बिकॉज यहाँ पे लाइट का इशू है, स्टूडियो में भी लाइट का इशू हो रखा है, सो उस वजह से वेट करते करते, और फिर आपको मैंने उस पर बताया था क्या इशू हुआ था कल रात को, बट फाइनली आई एम ऑल रेडी, लाइट भी आई हुई है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और फोटोशूट करवाती हूँ। मैंने केक और फ्लावर मंगा लिए हैं अपने लिए, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस जल्दी से जाके फोटोशूट कंप्लीट करना है, और मम्मी आज मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भी दिलाने वाली है, तो वो भी इसी ब्लॉग में कवर करते हैं, लेट्स गो। अरे यार शिट, लाइट नहीं आ रही स्टूडियो में। आ गई, लाइट आ गई। सो दिस इज आवर सेटअप। केक और फ्लावर में ले आई, बहुत ही बेसिक सा शूट करना है मुझे यहाँ पे, बस पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के लिए। एंड दिस इज माई लुक। मुझे लगा था आधे घंटे में फटाक से शूट हो जाएगा और आधा पौना घंटा ऑलरेडी हो गया है, बट जुगाड़ नहीं हो पा रहा। यहाँ पे सारी शेडो आ रही थी लाइट से, अभी इन लाइट से ट्राई करके देखते हैं कि वो शेडो कम हो जाए। यार बेसिक सी फोटोज क्लिक करवानी है, वो भी नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या ही है। सो, अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपनी आंटी का, और भूख लग रही थी तो हम लोग रोल खा रहे हैं, इसको खा के देखते हैं आगे क्या करना है। मुझे लगता नहीं मॉल जा पाएंगे बिकॉज बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। तो मॉल तो आ गए हैं, बट यहाँ पे टाइम इतना हो गया तो आई डोंट थिंक मैं शॉपिंग कर पाऊंगी, बट मेरी वीडियोस बन गई, मेरी रील्स बन गई, आई एम हैप्पी फॉर दैट। अभी देखते हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो खाने का ब्लॉग बना लूंगी, मेरे फोन में भी बैटरी नहीं है, सो लेट्स सी क्या होता है। अभी कंटिन्यू करूंगी या फिर घर जाके ब्लॉग एंड करूंगी, आई लेट यू नो। बट आई एम हैप्पी, आज का लुक बहुत ही प्रिटी निकल कर आया है, बहुत ही प्यारे पिक्चर्स, बहुत ही प्यारी वीडियोज निकल कर आई है, आई एम हैप्पी। तो जैसा मैंने कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ, जैसे मैंने ब्लॉग एंड किया ना और 2 मिनट वॉक किया, माई फोन वॉज डेड, तो मैं बाकी का कोई ब्लॉग वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। पर हमने वहाँ पे फिर कुछ किया ही नहीं था बिकॉज मॉल ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका था, तो शॉपिंग हो ही नहीं पाई थी, थोड़ा बहुत वॉक किया, एक्सप्लोर किया और वापस आ गए थे। तो आज मम्मी से जो मुझे गिफ्ट लेना था वो मेरा रह गया, तो कल हम कहीं इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, आप कल के ब्लॉग में देखना, वहाँ से आने के बाद मैं मम्मी से गिफ्ट लूँगी और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। बट आई एम सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट मेरी रील्स जो भी मैंने पूरी प्लान करी थी फैशन चैनल के लिए, ट्रांजिशन एंड ऑल, वो कंप्लीट हो गई, उससे पहले फोन डेड नहीं हुआ और वो काफ़ी प्रिटी निकल कर आई है। स्टूडियो में तो कुछ भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ भी अच्छे से शूट नहीं हो पाया, लाइट की बहुत कमी थी, बट यहाँ मॉल के बाहर इतनी प्यारी लाइटिंग थी, इतना प्यारा निकल के आया ना सब कुछ, वीडियोज़ फोटोज़, मज़ा आ गया। मतलब ओवरऑल आज का पूरा दिन मेरा इतना बेकार जा रहा था ना, आई वॉज सो सैड, मुझे लगा कि मेरा ये ब्रेक हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, और इतना नेगेटिव सा फील कर रही थी ना, क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा था, सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, नींद पूरी नहीं हुई, वीडियो लेट स्टार्ट हुई, एंड देन शूट करने गई स्टूडियो तो वहाँ पे प्रॉपर शूट नहीं हुआ, बट एट दी एंड आते आते घर सब कुछ सॉर्ट हो गया, सो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ऑल्सो मॉल के बाहर ना मुझे मेरी सब्सक्राइबर, फॉलोअर, एडमायरर, जो भी आप बोलो वो मिले, बड़े स्वीट से थे, आके उन्होंने मेरी तारीफ करी, बोला मैं आपको कंटेंट देखती हूँ, आपका डांस बहुत अच्छा है, कीप गोइंग, आई वाज सो हैप्पी। और मैं पता है मम्मी से ये कह रही थी कि जब मैं मेकअप करके निकलती हूँ ना, तब मुझे पक्का कोई ना कोई एक आध इंसान तो मिल ही जाता है, पर जब मैं नॉर्मली ऐसी जाती हूँ ना, मुझे कोई नहीं पहचान पाता, इसलिए कोई आता ही नहीं मेरे पास। तो मेरी मम्मी कह रही थी बंटन के जाया करो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका नाम है, उसको मेंटेन करो। मैंने कहा यार देखते हैं, हिम्मत तो होती नहीं है, बट थोड़ा सा आप रूटीन में आए हो तो क्या पता ये चेंज भी धीरे धीरे ले आऊँ मैं अपने अंदर। बट ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी, और जब फैमिली आ जाती है ना पास में तो ऑटोमेटिकली खुशी बढ़ी जाती है। तो अभी बज रहे हैं 11, हम लोगों ने बाहर कुछ खाया नहीं था, मैंने बस वो रोल खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया बिकॉज गर्मी हो रही थी, किसी का बाहर खाने का मन ही नहीं था, तो मम्मी ने अभी बोला कि दाल चावल बनाते हैं, आराम से दाल चावल खाएंगे दही के साथ, इंजॉय करते हुए, बातें करते हुए।
और ये केक जो मैं शूट कर लाई थी ना, ये रात में ही कटेगा सीधा। अब तो इन केस अगर मैं जगी रही और थोड़ी सी होश में हुई, नींद में नहीं हुई, तो मैं आपको पक्का वीडियो दिखाऊंगी, अदरवाइज हम लोग कल मिलेंगे।